हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकिटियार। आज हम बनाएंगे ड्रमस्टिक्स की करी, जो आप राइस या चपाती के साथ खा सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैंने यहाँ पे 2-3 ड्रमस्टिक्स लिए हैं, उसके छिलके निकाल के उनको कट कर रही हूँ। छिलका निकाल के कट करके हमारे ड्रमस्टिक्स रेडी है, तो अभी हम उन्हें पकाने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए, मैं उसमें कटा हुआ 1/2 ऑनियन डाल रही हूँ। ऑनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी, और उसमें अभी डाल रही हूँ मैं 1 कप पानी और ड्रमस्टिक्स और 1/4 चम्मच नमक। अब उसे बंद करके हम पकने देते हैं, और चलो बनाते हैं करी का पेस्ट। करी के पेस्ट के लिए मैंने लिया है 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, 1/2 छोटा ऑनियन कट किया हुआ, 1/2 इमली, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और 1/2 चम्मच राइस फ्लावर और 1 कप पानी। ये सब चीजें ग्राइंड करके हमारी पेस्ट रेडी है। हमारे ड्रमस्टिक पक के रेडी है, तो उसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ करी का पेस्ट। मैंने मिक्सर में 1 कप पानी डाल के पूरी पेस्ट निकाली है। करी की ये कंसिस्टेंसी रखी है। अगर आपको पतली चाहिए तो आप थोड़ा और पानी डाल सकते हो, और थोड़ा नमक भी। जैसे ही करी को बॉईल आए, और 2-3 मिनट आप पका देना, और आपकी करी खाने के लिए रेडी। ड्रमस्टिक्स आप जानते ही होंगे कि बहुत हेल्दी रहते हैं। उसमें विटामिन ए, सी एंड बी कॉम्प्लेक्स रहता है, उसके साथ उसमें कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयरन भी रहता है। सो जल्दी से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बनी। कुक इट यार, इट्स सिंपल।